जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी में बच गए हैं सुबह के 6:30 लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए हमारा आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो जिससे कि सभी लोगों को पता पड़ जाए कि हमारी क्लास जो है शुरू हो चुकी है फिर जिसको देखना है देखे जिसको देखना है नहीं देखे तो नया दिन है नई शुरुआत है एक बार थम्सअप कर दो कोई वॉइस का इशू नहीं है कोई टेक्निकल इशू नहीं है एंड देन वी विल स्टार्ट आर सेशन ठीक है जल्दी से आई थिंक सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है And session जो है, we can start now. Uh, just a second, है. ठीक तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के session की. और आगे बढ़ने से पहले हमारा जो सेशन है वो डेली जैसे चलता है वैसे ही चलने वाला है तो स्टार्ट करेंगे आज के मोटिवेशन थॉट से और बहुत ही शानदार बात यहाँ पे लिखी हुई है यू डोंट अ सेकंड ले लू मार्कर You don't have टू सी द होल staircase. जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप देखो जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हो यूपीएससी की हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है भाई कैसे होगा इतना लंबा रास्ता इतना ज्यादा सिलेबस कैसे कवर करेंगे तो मेरा जो कहना है इस बात को समझना कि आपकी ये जो सड़क है ना इस सड़क के इधर कितना दूरी है ये मत देखो कि यहां से यहां तक में कितना समय लगेगा कदम बढ़ाओ धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाओ

तो वेट किस बात का भाई जाओ करो इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहां तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक प्लस प्लस में देखो क्या है कि आपको सारी जो क्लासेस हैं टीचर्स की प्रीमियम टीचर्स की जो प्रीमियम क्लासेज होती है वो तो आपको मिलेंगी मिलेंगी साथ ही साथ आप जो है आइकॉनिक के अंदर किसी सब्जेक्ट में जैसे फंसते हो आप हिस्ट्री में फंसते हो तो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आपको हम बात कराएंगे आप ज्योग्राफी में फंसते हो तो आपको हम उनके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से बात कराएंगे आपके आंसर राइटिंग का इवोल्यूशन हो सकता है तो ये सारी चीजें आपकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पॉसिबल है ट्वेल्व मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है दैट इज हंड्रेड ट्वेंटी मंथ का है वन लाख फोर्टी वन थाउसेंड पर क्या बात यहीं रुक रही है तो जवाब है नहीं यहां पे भी हम आपकी मदद के लिए हैं आप ये जैसे ही कोड यूज करोगे एम आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा साथ ही साथ मेरी गाइडेंस तो सभी चीजों के ऊपर से आपको एज ए बड़ा भाई मिलती रहेगी तो भैया वेट किस बात का अगर तैयारी कर रहे हो तो जाओ करो और 12 जनवरी से प्रम्स 21 के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहे हैं अगर आपका टारगेट 21 है और तैयारी ऊपर नीचे लग रही है तो भैया दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू आप इनरोल करिए इसके अंदर आप ऑप्शनल की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हो ऑप्शनल में भी आपको करना यही है एमपीएस कोड यूज करना है एंड यू विल गेट टेन का डिस्काउंट दीज आर द कोर्सेस जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं जो कि प्री ट्वेंटी वन को मद्देनजर रखते हुए हमने लॉन्च किए हैं अब आप कहोगे कि सर ये आपकी इमेज को दिखा दिए भाई मेरी ये इमेज इसलिए दिखाई है कि यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी क्लासेस करा रहा हूँ अब आप कहोगे सर फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्वालिटी खराब होगी भाई जाके देख लो क्वालिटी कैसे लगती है अब इसको देखने के लिए क्या करें सर भाई कुछ मत करो यूट्यूब वीडियो जो है इसके नीचे लिंक डाला हुआ है फॉलो मानवेन सर ऑन एनअकेडमी उस लिंक पे क्लिक करो मुझे अन अकेडमी की ऐप पर जाके फॉलो कर लो वहां से नहीं कर पा रहे हो तो ये स्पेलिंग याद कर लो ये जाके सर्च करना ऐसी गंदी से एक पिक्चर दिखेगी के ऐप पे वहां फॉलो कर लेना ये भी ना हो पाए तो मानवेंटी एट लिख देना तो भी आपको मिल जाएगा दूसरी चीज टेलीग्राम से आप मेरे जुड़ सकते हो टेलीग्राम की जो मेरी आईडी है वो है अन्य मानवेंद इस सेशन की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी इसके अलावा मेरे सारे सेशन की जानकारी भी आपको वहां मिलती रहेगी तो इफ यू वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विथ मी गो एंड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ठीक है चलिए बड़े आगे कोई इशू कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यार कोई इशू कोई समस्या नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आज मैं थोड़ा पांच मिनट पहले क्या आया सबको ये लगता है ना सर दस छह पैंतीस से पहले स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो ठंड में क्या होता है जब अलार्म बसता है तो हम सोचते हैं दो चार मिनट और सो लो तो आज उनके साथ लॉल हो जाएगा है ना क्योंकि आज हमने पा... बिल्कुल एग्जैक्ट सिक्स थर्टी में स्टार्ट कर दिया सेशन चलो यहाँ पे देखो भैया जो हमारा आर्टिकल है क्या क्या बात करता है सबसे पहले देखो आज का तो हिंदू जो है वो कुछ इस प्रकार से है इसमें हमें देखो आर्टिकल जो है बस एक डिस्कस करना है नाइट एंड डे इसके अलावा हमारे काम जो कोई आर्टिकल है नहीं ये आर्टिकल में से कुछ चीजें अपने काम की हैं वो अपन देखेंगे ये सेंट्रल विस्टा वर्ल्ड वर्ड की क्वेश्चन इसमें कंपेयर किया गया आंध्र प्रदेश का भी जो मॉडल आया ठीक है मतलब अपने को ये नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे ये भी कोई काम का नहीं है इसमें देखो क्या है? ये वाला आर्टिकल अपन डिटेल में आगे देखेंगे अपन इसको देख लेते हैं यहीं पर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ग्रेडिंग इंडिया काउंटर कोअर्सिव स्ट्रेटेजी सबसे पहले एक टर्म आज सीखो जिसे कहा जाता है क्या कोर्सिव डिप्लोमेसी देखो चाइना जो है वो कोर्सिव डिप्लोमेसी को अपना रहा है इसमें क्या होता है इसमें देखो क्या होता है कि सामने वाले बंदे को या सामने वाले कंट्री को या सामने वाले जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है जिसको भी आप जिसके ऊपर भी आपको इस डिप्लोमेसी को यूज करना है आप उसको या तो कुछ लिटिल फोर्स का यूज करके उसको धमकाओगे उसको डराओगे या फिर फोर्स को यूज करने का धमकी देके उसको आप डराओगे एक एग्जाम्पल ले लो भाई चलो मैं बहुत बलवान हूँ मैं बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर हूं मान लो और एक कोई पतला सा लड़का है मेरे सामने खड़ा हुआ है तो मैं उसको ऐसे करके हाथ दिखाऊंगा वो डर जाएगा डर गया अगर वो तो मेरा काम कर देगा नहीं डरेगा तो नहीं करेगा ठीक है बात समझ रहे हो तो ये, मैंने ये दिखाया मैंने उसको मारा क्या नहीं ना बट मैंने अपने शरीर का यूज करते उसको ये दिखाया कि भाई मैं तुझे मार सकता हूँ तो उससे उसके मन में क्या जागा उससे उसके मन में डर जागा तो दिस इज वॉट दिस इज कोर्सिव डिप्लोमेसी और यहां पे ये यह जो आर्टिकल है ना वो ये कहता है कि भारत ने चाइना की कोर्सिव डिप्लोमेसी का बड़े अच्छे से जवाब दिया है बाय काउंटर कोर्सिव स्ट्रेटेजी देखो कोर्सिव डिप्लोमेसी चाइना ने कहा दिखाई अभी आपने देखा कि जो हमारे लद्दाख वाले रीजन में जो चाइना कर रहा है पंगे क्या कर रहा है भैया जबरदस्ती घुसी तो रहा है धमकाने की कोशिश तो कर रहा है तो भारत ने क्या किया था भारत भी उनके पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया था उन पर निगरानी रखने के लिए आपको याद होगा तो यही सब बातें इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं कुछ बातें आपके काम की नहीं है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं जो एक दो पॉइंट मुझे काम के लगे हो मैंने आपको यही बता दिया चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कस करते हैं आज का पहला आर्टिकल नाइट एंड डे नाइट एंड डे देखो ये आर्टिकल जो है ये वुमेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल आया है अभी देखो हुआ क्या है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में आपने देखा उन्नाव में एक बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट हुआ फिर आपने देखा हाथरस में हुआ अब जो है बदाऊ में यहां पे ये देखने को मिला है हुआ क्या कि एक 50 इयर्स की आंगनवाड़ी वर्कर थी और शी वेंट समवेयर इन द नाइट तो कुछ जो जो कोई वहां के आसपास का होगा उसके प्रीस्ट और उनके दो एसोसिएट्स ने उनका गैंगरेप किया जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये जो है एक और हॉरिफिक एलिजेट रेप मर्डर इमर्ज होकर उभरा है उत्तर प्रदेश के अंदर ये रिसेंटली आपने तीनों इंसिडेंट उत्तर प्रदेश में देखे हैं किस तरीके से हाथरस वाला मामला सामने आया अब ये बदाऊ का मामला सामने आया रेप भी हो गया मर्डर भी कर दिया गया ठीक है इसके बाद क्या है ये देखो थोड़ा सा मैंने एक आर्टिकल डाला हुआ है पहले का कि भारत में अनसेफ अनसेस कौन कौन से देख लेना ठीक है अब प्रॉब्लम पता है कहां ये तो चलो एक अपने आप में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी लेकिन उस इंसिडेंट पे जब एक वुमेन कमीशन की महिला गई ठीक है उनका नाम है चंद्रमुखी देवी उन्होंने पता है क्या स्टेटमेंट दी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि महिला है थी भैया इनको रात में अकेले नहीं जाना था इनको अपने परिवार के किसी सदस्य को लेके जाना था या फिर जो सही समय होता है उसमें इनको घर से बाहर निकलना था ऐसा स्टेटमेंट जब सीनियर मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मुंह से आता है तो इट इज अ काइंड ऑफ शॉकर फॉर एवरी भाई ये बताओ क्या आपके घर में कभी लड़कों से ये कहा जाता है कि रात के आठ बजे मत निकलो क्या रात में लड़कों से कहा जाता है कि नौ बजे अनसेफ है Why to say this to women? और क्यों कहा जा रहा है आज की डेट में हम महिलाओं से क्यों कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है बट क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि बाहर का माहौल इक्वल रहे वुमेन्स के लिए भी और आपके लिए भी रात के 10 बजे जैसे आप फ्री घूमते हैं वो उनके लिए भी घूमने के लिए फ्री रहे आई एम नॉट सजेस्टिंग आप अभी करिए बट कहने का मतलब यह है कि क्या ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि वुमेन्स के मन में डर ना हो जब आपके परिवार के मन में डर ना हो और वो जब चाहे तब निकल सकता है और जो वुमेन कमीशन फॉर जो नेशनल कमीशन फॉर वूमेन उसका काम क्या है उसका काम है वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना फेमिनिज्म की कॉन्सेप्ट को लेके आना फेमिनिज्म से आप क्या समझते हो लो लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म जो है भैया हर चीज में गलत हो जाता है लड़कियां इसका फायदा उठाती हैं फेमिनिज्म इज बेसिकली इतना कि जो राइट्स लड़कों के पास है ना वही चीज लड़कियों के पास भी हो

she said i tell women again and again that they should never go out at odd hours under anyone influence i think if she had not gone out in the evening or was accompanied by any child of the family perhaps this incident could have been avoided क्या कहा गया जो मैंने आपको बोला वही चीज मैंने यहां पे इंग्लिश में आपके सामने पढ़ दी है एग्जैक्ट स्टेटमेंट कि भैया मैंने महिलाओं मैं को कितनी बार कहा है कि ऑड आवर्स में घर से बाहर मत निकलो अगर इसी इंसिडेंट में ये महिला जो है अपने घर में किसी पुरुष के साथ जाती बाहर तो उनको ये चीज क्या पता है, जो इंसिडेंट था ये अवॉइड किया जा सकता था तो राइटर जो है इस पे बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं वो ये कहते हैं कि हाउ की हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम वुमेन्स कि भैया हम ये चाह रहे हैं कि वो लोग घर से बाहर ना निकले हम ये चाह रहे हैं कि भैया वो लोग इस तरीके से ना करें जबकि हमें यह चाहना चाहिए कि हमें समाज को चेंज करना चाहिए हमें समाज में ऐसी स्थिति लेके आनी चाहिए कि महिलाओं को सोचना ना पड़े घर से बाहर निकलने के लिए तो यहां पे उल्टा सोच जो है सोसाइटी की देखने को मिल रही है और फिर वो भी ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों से देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज है ठीक है फिर देखो क्या है ठीक है इसके बाद क्या नेशनल कमीशन एक्चुअली मींथ टू अपहेल्ड वुमेन राइट पर यहां पर देखो कुछ देखने को मिल रहा है ना फिर देखो क्या इन सबसे क्या चीज होती है ना इन सबसे देखने को यह मिलता है कि भाई जितना भी इक्वल राइट का मूवमेंट हुआ था ये कुछ भी नहीं है इन कमीशन के लिए और इस तरीके की स्टेटमेंट जब वुमेन कमीशन देगी तो फिर तो यही बात होगी ना इक्वलिटी इक्वलिटी करते रहते हैं भैया तो कैसे लाओगे तुम इक्वलिटी अगर ऐसी बातें करोगे तो ये इक्वालिटी है क्या कि लड़के रात में नौ बजे घूम रहे लड़कियों को भैया कह दो कि तुम्हें बाहर खतरा है तो तुम मत जाओ जो कि गलत बात है ना भाई तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है राइटर ने ठीक है फिर देखो कुछ डेटा रखे हैं राइटर ने 2019 में एनसीआरबी का डाटा एक आया है जिसमें यह कहा गया था कि भारत के अंदर 88 रेप केसेस होते हैं हर दिन और यूपी में अगर रेप की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट है पूरे इंडिया के अंदर ठीक है यूपी के अंदर सेकंड हाईएस्ट नंबर पे रेप केसेस दर्ज होते हैं लेकिन यह कि रिकॉर्ड जो है वो पूरी स्टोरी नहीं बताते हैं जितना भी लिखा हुआ है 88 का आंकड़ा राइटर का ऐसा अनुमान है कि इससे ज्यादा रेप पर डे भारत में होते होंगे एक्चुअली होता क्या है कि जो समाज का प्रेशर होता है जो आपके सोशल स्टिग्मा जुड़ा होता है उसके वजह से काफी सारे रेप केसेस जो है महिलाएं दर्ज भी नहीं कराती हैं या फिर उनके परिवार जन नहीं कराते होंगे ऑल दो निर्भया के केस के बाद राइटर ऐसा बोलते हैं कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था उसमें काफी स्टिग्नेंट पनिशमेंट करी गई क्राइम अगेंस्ट वुमेन लेकिन तब भी कंटिन्यू है मतलब ठीक है आपने कानून को चेंज किया कानून को आपने खतरनाक कर दिया बट स्टिल जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो जैसा था वैसा का वैसा ही देखने को मिल रहा है अब इसको कैसे खत्म किया जा सकता है भाई देखो एक दिन जब हम वाला शक्ति लॉ वाला पढ़ रहे थे महाराष्ट्र में जो हुआ हम उसके बारे में पढ़ रहे थे जो भी लॉ आया है तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि क्या सिर्फ कानून को कठिन करने से वुमेन का प्रोटेक्शन हो जाएगा इंडिया के अंदर तो हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि देर आर प्लेटी ऑफ ऑल मतलब ऑलरेडी देर आर प्लेटी ऑफ लॉज जो ऑलरेडी काफी स्टिंग एंड पनिशमेंट देते हैं उसके बाद भी ये चीजें हो रही हैं हमने कुछ बातें करी थी कि आप कैसे इस चीज़ को रोक सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके पुलिस के लिए जो सिस्टम है उसको अच्छा मजबूत करके ठीक है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने घरों में लोगों को एजुकेट करके ये कर कौन रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं भाई वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन एजुकेशन से मेरा यहाँ पे मतलब है आप उनको इथिक्स समझाइए आप उनको मॉरलिटी समझाइए आप उनको वुमेन की रेस्पेक्ट करना समझाइए तो ये हम देखते हैं कि गांवों में क्या होता है सोसाइटी में क्या होता है कि लोग महिलाओं को तो भैया सब कुछ सिखाते हैं पर लड़कों से कुछ सिखाया ही नहीं जाता है मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुनना आज की डेट में क्या हो रहा है ना पेरेंट्स जो है वो अपने लड़कों को खाना खाना नहीं सिखा रहे खाना बनाना नहीं सिखा रहे ठीक है और वो महि... जो उनके घर में बच्चियां होती हैं उनको भी नहीं सिखा रहे हैं जो आज की डेट में बिल्कुल नया जनरेशन आ रहा है ठीक है फिर उसी लड़के की माँ जो है वो अपने बहू से एक्सपेक्ट करती है कि वो मेरे घर में आके खाना बनाए भाई तुमने अपने लड़के को भी नहीं सिखाया तुमने अपनी लड़की को भी नहीं सिखाया अब तुम सामने वाले घर की बंदी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे घर में आगे खाना बनाए भाई कैसे क्यों तुम लड़कों को भी सिखाओ ना लड़के खाना नहीं बनाते क्या मैं अकेला रहता हूं मैं बना ही रहा हूं ना कहने का मतलब क्या है भाई सबको सब, सब चीजें सिखानी चाहिए हर चीज एक्सपेक्ट किया जाए कि जो पहले से होती हुई आ रही है वो होती रहे ये तो चीज सही नहीं है ठीक है इसके बाद कुछ और आंकड़े रखे हैं यहाँ पे राइटर ने जैसे कि अभी पैंडमिक के दौरान देखने को क्या मिला कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा वन लेबर निकली कंपेटिवली टू द पुरुष दोनों ही कारण में देखा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी इनके अगेंस्ट में बहुत हो रहे थे डोमेस्टिक वाला डोमेस्टिक वायलेंस वाला पॉइंट इसमें लिखा नहीं हो मैं खुद से बता रहा हूं हमने लॉकडाउन के टाइम पे काफी देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट जो है महिलाओं के अगेंस्ट में बढ़े ये तो चलो एक घर का इशू हो गया दूसरा इशू क्या देखा इकोनॉमिकली भी महिलाओं पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है देखो पैंडेमिक में सबकी जॉब गई बिल्कुल ठीक बात है पैंडेमिक के बाद जो है देखने को ये मिल रहा है कि जो मैन थे जो पुरुष थे उनको कहीं कही ना कहीं कोई ना कोई, कोई जॉब वापस मिल गई है लेकिन जो महिलाएं पेंडेमिक के दौरान बेरोजगार हुई हैं उनको अभी तक जॉब नहीं मिल पा रही है कंपेटिवली टू द तो ये दिखाता है कि किस तरीके से डिफ्रेंसिएशन हो रहा है भारत के अंदर, के अंदर अंदर सोसाइटी ठीक है राइट लास्ट में ये बोलते हैं कि दिस इज अ मैटर ऑफ शेम दिस इज अ मैटर ऑफ शर्मिंदगी कि 2021 के अंदर भी हम महिलाओं से ये कह रहे हैं कि भैया तुम घर के अंदर रहो नाइट में तभी तुम सेफ रहोगे तो दिस इज अ वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम पर्सन uh, सच मतलब जो एक इतने अच्छे हुई पोस्ट पे जिनका काम ही है महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और ये वैसे विचारधारा उनकी नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल जो है हमारे देश में उनकी विचारधारा है बट विचारधारा यहाँ पे ये होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टेलिंग गर्ल्स की आप भैया रात में बाहर ना निकलिए आप अपने घर के लड़कों को समझाइए कि बाहर निकलने के बाद तुमने कुछ ऐसा किया तुम्हारे टांग तोड़ दिए जाएंगे दूसरी चीज को सोसाइटी का माहौल इस तरीके से गवर्नमेंट इंश्योर करे सोसाइटी इंश्योर करे देखो हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती कुछ चीज़ें आपको हमको भी करनी है हमें हमारे आसपास का माहौल इस तरीके से तैयार करना है कि जो वुमेन फ्रेंडली हो जो इस तरीके की चीजों को बढ़ावा ना दे क्राइम में पनिशमेंट बड़ा बढ़ा के तो क्या होगा कल मैंने डेड्रीम पे क्वेश्चन पूछा था जवाब किसी ने भी नहीं दिया ढंग से उनटा सीधा पता नहीं क्या लिखा है ये दो दो लाइन और किसी जिन्होंने दिया बहुत अच्छी बात है कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया पता नहीं क्यों नहीं दिया है तो वही जाने फिर आप लोग कहते हो डेड्रीम के क्वेश्चन पूछो है ना कल मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या केमिकल कास्टेशन कर देना चाहिए डेथ पेनल्टी कर देनी चाहिए भैया ऑलरेडी यह सब प्रोविजन है लेकिन क्या इससे रेप रुकने वाला है क्या देश में नहीं वी नीड टू थिंक बियॉन्ड दिस लॉज कि कैसे जो है देश में इस चीज को चेंज किया जा सकता है ठीक है तो दिस इज इट गाइज दिस इज आर आर्टिकल ये वाला आई होप इस पर कोई डाउट हो ना आप लोगों को ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ चलिए भाई वीडियो अच्छी अच्छी लग रही हो तो क्या करना है पता है ना डिसलाइक करना है ना नहीं यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना शेयर कर लेना अपने मित्रों के साथ है ना चलो बढ़ते हैं आगे गाइज अब ये देखो द हिंदू न्यूज का आज का फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार से है और इसमें क्या क्या आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे अब आगे सीधे बढ़ते हैं वहीं देखते हैं ना चलो तो सबसे पहला आर्टिकल है एलई कमांडर गेट्स फाइव ईयर जेल टर्म फॉर टेरर फाइनेंसिंग कल हमने देखा था कि भैया पाकिस्तान की कोर्ट जो है वो जकीर उ रहमान लखवी के ऊपर अपना निशाना साध रही थी और उसी में निशाना साधते हुए इनको पांच साल की सजा दे दी गई है फॉर टेरर फाइनेंसिंग ये बात ध्यान रखना हाफिज सईद इनको सबको टेरर फाइनेंसिंग के चार्ज में डाला जा रहा है मुंबई अटैक से किसी को भी लिंक नहीं किया जा रहा है ठीक है पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है मैंने आपको बताया था एफ की मीट होने वाली है एफ क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विच इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो नाइनटीन में स्टेब्लिश हुई थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ इसका जो सेक्रेटरियट है वो ओ का जो हैडक्वार है पेरिस में उसी के अंदर है इसमें दो लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा जो है इसमें मेंबर्स हैं प्लस टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं एफ की जो प्लेनरी बॉडी है वो इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये साल में तीन बार मिलते हैं ध्यान रखना कितनी बार तीन बार एफ साल में तीन बार मिलती है एक दिन मैंने क्वेश्चन भी कमेंट आपको करने को कहा था

टेररिज्म को प्रमोट करने में यूज करेगी इसको एक और एग्जांपल ले लो मान लो मान ये ग्रे लिस्ट बैंक में देने लग जाएं, में देने लग लग जाए जाए ब्लैक लिस्ट लिस्ट बैंक में तो तो ग्रे लिस्ट का मतलब ये कि भैया इस बंदे को लोन दिया तो डिफॉल्टर हो सकता है और ब्लैक लिस्ट में अगर कोई बंदा है तो इसका मतलब ये पक्का डिफॉल्टर होगा इसको पैसे ही मत दो ठीक है तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है ब्लैक लिस्ट में भी छलांग मार सकता है और ग्रे लिस्ट से भी इसको हटाया जा सकता है पाकिस्तान क्यों ग्रे लिस्ट से हटना चाहता है क्योंकि वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट फोरम है जैसे कि वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो पाकिस्तान को अभी लोन नहीं दे रहे हैं वो तभी लोन देंगे जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा भैया अगर मैं बैंक का बंदा हूं और मुझे किसी को पैसा देना है तो मैं क्यों ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वाले बंदों को पैसा दूंगा जो पैसा डिफॉल्ट कर सकते हैं यहां पे ये पैसा टेररिज्म को प्रमोट करने में यूज हो सकता है तो पूरा विश्व इनको पैसा क्यों देगा तो पाकिस्तान यही चाह रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है देखना जैसे लिस्ट से बाहर होगा कहीं ना कहीं इनको बेल मिल जाएगी किसी को छोड़ दिया जाएगा तो ये पाकिस्तान का जो है वो दिखाने का तरीका है लेकिन चलो दिखाने के लिए ही सही पाकिस्तान ने कुछ तो इसके ऊपर स्टेप उठाया ठीक है तो दिस इज इट दिस आर्टिकल आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है हमारा वो बात करता है ओवर हाफ ऑफ आर्मी पर्सनल अंडर सेवर स्ट्रेस है जिसका ऐसा मानना है कि भारत के अंदर हमारे जितने आर्मी पर्सनल हैं उसमें से हाफ के आसपास जो है काफी स्ट्रेस की सिचुएशन से जूझ रहे हैं काफी मेंटली तनाव में मानसिक तनाव में जूझ रहे हैं और जितने लोगों की मृत्यु जो है वो टेररिज्म के अटैक से या फिर आर्मी के लिए लड़ाई करते हुए शहीद होने से नहीं हो रही है उससे ज्यादा वो इन कारणों से उनकी मृत्यु हो जा रही है कोई सुसाइड कर ले रहा है किसी किस तरीके की कि और चीजें की प्रॉब्लम हो जा रही है ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ठीक है किसने इसको किया एक बार देख लेते हैं ना मोर देन हाफ ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल ठीक है और ये कौन से सर्वे के अनुसार है तो ये देखो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एक सर्विस थिंक टैंक है तो इसके द्वारा ये सर्वे किया गया है ठीक है तो ये चीज सामने आई है भैया जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है सरकार को देखना चाहिए कि हमारे आर्मी पर्सन भैया क्यों आ, स्ट्रेस में है देश की आन बान शान है और अगर वो लोग स्ट्रेस में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा फिर देखो अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट टू आर्म फॉरेस्ट ऑफिसर्स टू फाइट पोचिंग बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक कदम है और बड़ा अच्छा यहाँ पे ये देखने में मिला है ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की चीजों में इंटरफेयर करने की सोची है देखो देश में क्या हो रहा है ना कि देखो पोचिंग के लिए फॉरेस्ट गार्ड तो बना दिए जाते हैं लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के पास क्या होता है मोस्टली आपने देखा होगा डंडे होते हैं क्या होते हैं डंडे उससे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है जो पोचिंग वोचिंग हो रही है उसको उसको समाप्त करें अब होता क्या है ना जो पोचिंग वोचिंग है ये एक छोटे स्केल की चीज नहीं है भाई एक बहुत बड़ा माफिया इसके पीछे काम कर रहा है जो आर्म से लबा लब होते हैं जब वो ऐसा कुछ करने जाते होंगे

ट्रेन करो इनको आर्म्स यूज करने से आर्म्स फ्रेंडली बनाओ फॉरेस्ट गार्ड्स को जिससे कि दे कैन प्रोटेक्ट एज वेल एज द एनिमल्स भाई अगर फॉरेस्ट गार्ड अभी खुद को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर ये एनिमल्स को कैसे बचाएंगे क्योंकि भाई आपने इनको क्या दे रखा है एक डंडा दे रखा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको बुलेट प्रूफ वेस्ट दीजिए इनको व्हीकल्स दीजिए ये जो पैदल चलते हैं क्यों चला रहे हो भाई व्हीकल्स दो इनको प्लस इनको आर्म्स भी प्रोवाइड करो तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर आया है जो कि एक अच्छी स्टेप है हमारे देश के विकास के लिए ठीक है इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है फिर उत्तर प्रदेश से है उत्तर प्रदेश से यह आर्टिकल क्या है चार लोगों की मृत्यु हो गई है आफ्टर ड्रिंकिंग स्पूरियस लिक्वर इन बुलंदशहर ये स्पूरियस लिक्वर का पहली बार तो कहानी आई नहीं है अपने लॉकडाउन के बाद जैसे ही दारू के ठेके खुले थे शराब के ठेके खुले थे तब भी हमने देखा था किस तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही थी इवन सैनिटाइजर पी पी के लोगों की मृत्यु हो रही थी तो कुछ कारण देख लेते हैं ये मीन में आप अगर आता इस तरीके कुछ भी तो आप लिख सकते हो कि व्हाट आर द रीजन फॉर रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ दिस जो ये इलीगल लिक्वर जो है ये जो बिकती है मार्केट में क्या कारण है जो सबको पता है कि इससे मृत्यु हो रही है जो नकली शराब होती है इससे मृत्यु हो रही है स्टिल ये शराब जो है मार्केट में क्यों अवेलेबल है क्यों इसको रोका नहीं जा पा रहा है क्या कारण है कुछ कारण देख लेते हैं पुअर गवर्नेंस टू डिटेक्ट प्रोडक्शन एंड मूवमेंट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है कहाँ पे मूवमेंट हो रही है ना कोऑर्डिनेटिंग विद डिफरेंट स्टेट इंटर स्टेट गैंग्स अब देखो होता क्या है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं राजस्थान में एक जगह रहता था जिसका नाम है झालावाड़ अभी झालावाड़ न्यूज में चल रहा है बताओ क्यों पढ़ा होगा आपने न्यूज में आ रहा था हिंदू में झालावाड़ में एक ऐसा जगह है भवानी मंडी क्या नाम है बी डब्ल्यू जगह का नाम है और ये बी डब्ल्यू एम जो है ना राजस्थान में लगता है ठीक है राजस्थान में जो भवानी मंडी था इसका रेलवे स्टेशन कुछ ऐसे बना हुआ था और रेलवे स्टेशन का आधा पार्ट जो है ना वो राजस्थान में था आधा पार्ट मध्य प्रदेश में था कहां पे था मध्य प्रदेश में राजस्थान में झालावाड़ में क्राइम्स बहुत होते हैं क्यों होते हैं बंदा ना राजस्थान का भवानी मंडी में देखो अब क्या है बगल में ही तो है मध्य प्रदेश यहां पे क्राइम करके बंदा फरार हो जाता है कहां पे मध्य प्रदेश में अब हमारे देश में क्या होता है भैया यहां तो पहले तो थाने की जो डिक्शन में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया आप लखनऊ के फले थमा, आ, फ, आ, फले थाने से हो आप उस थाने से हो अब यहां तो पूरा स्टेट ही क्रॉस हो जा रहा है तो पुलिस के बीच में जो कनेक्टिविटी है ना उसकी लेग दिखती है आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता है और इसीलिए इसका फायदा जो है वो क्रिमिनल्स जो है वो उठाते हैं समझ रहे हो तो दिस इज वॉट दिस थिंग मीन्स इसके बाद डिसोर्टेड पॉलिसीज़ अफोर्डेबल लिक्वेड नहीं है लोगों के पास अभी देखो लॉकडाउन के बाद पैसे बढ़े थे टैक्स बढ़ाया था सरकार ने क्योंकि उस समय सरकार का क्या इसके पीछे टेंशन था कि भैया अभी जो इतनी भीड़ बढ़ रही है वो भीड़ ना हो लोग महंगी के चक्कर में कम खरीदने जाए पर आज तक कम किया उसे अब तो नहीं किया आपने तब बढ़ाया था ना आपका पर्पज तो फुलफिल हो गया अब तो भाई नॉर्मल हो गया वापस से सब चीजें तो तो कम करो ना आपने अफोर्डेबल नहीं मना रखा है ठीक है हाई टैक्सेज है काफी सारे स्टेट्स में प्रोबिशन है आज का आपका डे ड्रीम का क्वेश्चन भी यही है आप ऐसे जगह पे एज ए डीएम पोस्टेड हो आईपीएस पोस्टेड हो या गवर्नमेंट सेक्रेटरी हो जिसमें आपसे परमिशन ये पूछी जा रही है सरकार के द्वारा कि क्या आपको लगता है आपके एरिया के अंदर आ, ये जो लिकर की जो सेल है इसको रोक देना चाहिए इससे जो है लोगों की मृत्यु कम हो जाएगी लोगों का लिकर सेवन बंद हो जाएगा जो हानिकारक है सेहत के लिए आप लोग अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एज ए डीएम आपका इस पे क्या सजेशन रहने वाला है ठीक है अब देखो क्या है जैसे बहुत सारे स्टेट्स में स्मगलिंग हो रही है क्यों जैसे बिहार में नहीं है तो बिहार में भी मिल जाती है तब भी जुगाड़ से है ना गुजरात में भी मिल जाती है अड़ोसी पड़ोसी जो आइलैंड बने हुए हैं बगल बगल में तो कहने का मतलब स्मगलिंग से क्या होता है कि आप चुपके लेते हो उसके बाद फिर आपको कोई नकली भी दे दे तो आप क्या कर लोगे पी के निपट के मर गए भैया कौन पूछने आ रहा है इलिसिट लिक्वर जो है बहुत सस्ती मिल जाती है कोई टैक्सेशन नहीं है कुछ नहीं कोई देख ही नहीं रहा है ना पेशेंट्स रिलेटिव्स जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनके और जो अस्पताल में भर्ती भी हो जाते हैं तो उनके घर वाले कुछ बताते ही नहीं डर लगता कि पुलिस भैया तंग ना करे जो कि गलत शराब पी, पी ली है उसने नकली शराब पी ली है एंटीडोट जो होता है इथाइल एल्कोहल देखो इथाइल जब भी आप कच्ची शराब पीते हो अगर इथाइल एल्कोहल आपको समय पर दे दिया जाए तो आपकी जान बच सकती है क्योंकि उसमें क्या होता है जो इसके अपोजिट कंपोनेंट होता है बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसी को कम कर देता है इथाइल एल्कोहल बट ये जल्दी मिलता नहीं है मतलब देते नहीं है बहुत जगहों पे पहुंच ही नहीं पाता है

दिक्कत रिबुक में नहीं है दिक्कत तब है जवाब आप को समझ के रिबुक लो भाई रिबॉक आता है ना अपना तो भाई ठीक है अगर आपको पता है कि रिबुक नकली है आप लेना चाह रहे हो बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं पैसे बचेंगे बट अगर आपको कोई बेकूफ बना दे कि रिबॉक नहीं है भैया ये रिबुक नहीं रिबुक होता है दो हजार रुपए की चीज को आपको को सौ रुपए का बता के सौ रुपए में बेच दे समझ लो डिस्काउंट बता के पर नकली है ना भाई तो कहने का मतलब है कि लोगों को अनवेयरनेस एजुकेशन पता नहीं है पता नहीं कौन कौन सी आपके शराब आती है नकली संतरा नारंगी काला छाप ऐसे की पता नहीं क्या क्या आती है ना जो नकली वाली होती है प्रेजेंट जो है प्रोविजन के लिए बड़े लिबरल है, है कुछ ज्यादा होता नहीं है जो लोग इसके पीछे पकड़े भी जाते हैं तो लोगों को डर भी नहीं लगता है कि छूट जाएंगे पैसा ऐसा देके क्या करना है है ना तो ये कुछ कारण है जो रिपीटेड इंसिडेंट देखने को मिलते हैं इसके बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल के ऊपर अनदर यूथ एंड लाइफ ओवर लोन एप हरेसमेंट कितना सुन रहे हो ये वही ये आर ने भी गुहार लगाई थी देखो ये मोबाइल ऐप के थ्रू पैसा लिया है लोगों ने काफी ज्यादा पेंडेमिक में देखो लोग परेशान भी थे उसका जरूरत भी पड़ी होगी समझ में भी आ रहा है लेकिन अब क्या हो रहा है ना ये जो ऐप वाले कंपनीज है ना ये बड़े तंग कर रहे हैं लोगों को जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और ये तंग कैसे करते हैं कि भैया आपके घर में अड़ोसी पड़ोसियों को बता दिया सारे रिलेटिव को बता दिया कि भाई ये बंदा जो है मेरे से इतना रुपया उधार है हमसे इतना रुपया उधार है अब इससे क्या होता है भाई आदमी परेशान होता है मेंटली स्ट्रेस में रहता है उसको बेस्टी फील होती है एंड दे आर कमिटिंग तो उसी का एक और इंसिडेंट पे देखने को मिला है ठीक है मैंने आपको बताया न्यूज में आपको नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है याद करने की जरूरत नहीं इतना दिमाग नहीं लगाना है बस कहानी समझो कहीं फ्यूचर में आए तो उसको लिख सको बर्ड फ्लू नाउ कंफर्म इन सिक्स स्टेट भाई एक दो स्टेट्स और बढ़ गए केरला में हमने पढ़ाई पढ़ा था राजस्थान में पढ़ा था मध्य प्रदेश में पढ़ा था हिमाचल प्रदेश में पढ़ा था हरियाणा गुजरात संधिगत था बट यहाँ पे भी देखने को मिल गया है कि बर्ड फ्लू ही के वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ है इसके अलावा गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकालती हैं कि भैया अपने अपने स्टेट में चेक करते रहो कि पक्षियों की मृत्यु तो नहीं हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अंडा और चिकन के ऊपर सेवन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा जाए सही जगह से ही लो ले रहे हो तो और थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन कर सको तो मत ही लो या कुछ दिन है ना क्या जा रहा है कुछ और जो नॉनवेज आपके वो होते हैं उनका आप सेवन करिए जैसे कि लोग बहुत सारे लोग लैम खाते हैं ना तो आप वो खा सकते हैं ठीक है चलिए बढ़े आगे देखो तो चिकन की खपत का एक कारण ये भी होता है ना चिकन इज वेरी मतलब वेरी सस्ता कंपेटिवली टू द आपका लैम एंड ऑल आई थिंक जो लैम वैम्ब होता है ये 800 700 केजी पर पर केजी मिलता है वहीं चिकन जो है वो 150 200 रुपए मिल जाता है और अब तो 60 70 में भी बिकेगा फिर वो दिन आने वाले हैं जब चिकन जो है साठ सत्तर रुपए में बिकेगा क्योंकि भैया इस इंसिडेंट के बाद अब लोग धीरे धीरे जो है वो अवॉइड करेंगे खाना है ना चलो पर इस साठ सत्तर के लालच में मत चले जाना थोड़ा दूर रहना सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट कन्फेशन बड़ा अच्छा आर्टिकल है समझना सुनना देखो क्रिश्चियन रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट होता है कन्फेशन का बहुत ज्यादा डिटेल में तो देखो मुझे भी नहीं पता है बट अपने को नॉलेज है मतलब भर की जो आपको मुझे समझनी है ठीक है कन्फेशन का मतलब क्या होता है कन्फेशन का मतलब ये होता है कि इसमें ना प्रीस्ट जो होते हैं चर्च के अंदर उनके सामने बंदा जो है वो कन्फेस्ट करता है अपने सिंस को जैसे कि आपने कोई पाप किया है ठीक है और एक मेरे जीवन में सजेशन ध्यान रखना अपने सीक्रेट्स को कभी किसी के साथ शेयर मत करना कर दोगे ना लाइफ में आप अपने बर्बादी की तरफ जा रहे हो कोई बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है दुनिया में तो ये गलती यहां पे हो जाती है मतलब गलती नहीं है ये देखिए उसको गलत एंगल में मत लीजिएगा ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है

महिलाओं का यहां पे आरोप है कि उनके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हो रहा है ब्लैकमेलिंग के नाम पे महिलाओं ने मान लो कुछ ऐसा कन्फेस किया ठीक है और अगर कुछ ऐसा कन्फेस किया उसका फायदा उठा के जो सामने वाले बंदे हैं वो सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए अपील कर रहे हैं या इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुनेंगे इस बारे में और ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है देखो हर रिलीजन में कुछ बातें होती हैं जो किसी के लिए सही होती हैं किसी के लिए खराब होती हैं ये आदमी टू आदमी डिफर करता है और ये सिचुएशन सिचुएशन डिफर करता है किसी के साथ वो चीज अच्छे रूप में भी हुई होगी किसी के साथ उसका बुरा प्रभाव भी हुआ होगा तो अभी इसमें लेगी कोर्ट बट अभी फाइनली इसको एक्सेप्ट किया गया सुनने के लिए और लेट सी इस पे आगे क्या होता है ठीक है फिर ठीक है ये बात वही लिखी हुई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ठीक है चलिए इसके बाद क्या यूथ किल

अब ये दो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए भाई कि इसमें और डिटेल्स ली जाए चाहे क्या करो कि गूगल पे लिखोगे गैग्नेटिक रिवर डॉल्फिन यूपीएससी सर्च कर दोगे बहुत सारी वेबसाइट्स पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बट आज आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप लोग वो लकी इंसान हो जो हमारे एनालिसिस को देखते हो तो आपको फिर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं जो कि वो हम आपके लिए करते हैं यहां पे इंसिडेंट क्या है इंसिडेंट ये कि भैया एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर चार पांच यूथ ने एक गैग्नेटिक रिवर डॉल्फिन को बहुत ही ब्रूटली मारा है ठीक है अब उसका खाने के लिए मारा है किस चीज के लिए मारा है तो गॉड नोस बट ऐसा हुआ है अब थोड़ा सा इस डॉल्फिन के बारे में जानते हैं इस डॉल्फिन के बारे में जाने इससे पहले थोड़ा सा अपन आते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में देखो जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर था ना उसी तरीके से गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही ये प्लान किया था क्या मक्खी यार हाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या ट्राई किया था गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा एम क्या है स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी क्रिएट इंप्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट टूरिज्म क्या रोकने की कोशिश कर रहा है देखो भैया भारत के अंदर काफी ज्यादा फिशिंग हो रही है डॉल्फिन की गंगा रिवर जो डॉल्फिन से इनको निपटाया जा रहा है इसके अलावा सी में से डॉल्फिन को खत्म किया जा रहा है कहां कहां पाए जाते हैं ये इंडिया में तो ये देखो आपकी पाई जाती है आसाम बिहार झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान ठीक है और इनके रिवर्स में उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो ऑफिशियली डिस्कवर्ड हुई थी 1801 में और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती है जो गैग्नेटिक आपकी डॉल्फिन है दिस कैन सर्वाइव ओनली इन द फ्रेश वॉटर दिस कैन नॉट सर्वाइव इन द सेलिन वॉटर तो जो सी वाली डॉल्फिन है, डिफरेंट। एंड आपकी जो गंगा वाली है ये डिफरेंट है ठीक है इसके अलावा इसमें और भी कुछ लिखा है ठीक है ठीक है चलो अब साइंटिफिक नेम क्या है इसका गैग्नेटिक डॉल्फिन का प्लेनिस्टा गैग्निकता गैंगटिका ठीक है अब फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में इनको प्रोटेक्ट किया गया है आयुसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में है मैंने आपको बताया था हम जब भी किसी एनिमल किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे जानवर या किसी भी चीज के बारे में इससे रिलेटेड बर्ड्स के बारे में किसी के बारे में भी तो हम आयुसीएन रेड लिस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस शेड्यूल में दिया हुआ है अपेंडिक्स फर्स्ट साइट्स में कुछ है क्या तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे ठीक है

और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर में फिफ्थ ऑफ अक्टूबर को हर साल नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है और इसी के बावजूद इन सब के बावजूद भी इस तरीके की एक वीडियो जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे अभी राउंड अप कर रही है एंड गलत चीज है जल्द से जल्द इन लोगों को देखा जाए कौन है भाई वैसे कमी उम्र के युवा लग रहे हैं और आप लोग भी थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि ऐसी चीजों को थोड़ा सा कमी करिए भाई कम से कम उन चीजों को तो ना ही मारिए खाने के लिए या मस्ती के लिए मस्ती के लिए किसी को क्यों ही मारना भाई और खाने के लिए भी वैसे तो आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ ईटिंग नॉनवेज ऑल तो कभी कभी मैंने भी खाया हुआ है लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि जो चीज ऑलरेडी इतनी कम मात्रा में हमारे देश में और जो देश के लिए एक मतलब गौरव का विषय है उन चीजों से तो अपने आप को दूर ही रखिए यार कम से कम है ना ऐसा क्या करना है इसके बाद क्या है माई फोकस इन ऑन स्मूथ ट्रांजिशन ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी लैंग्वेज जो है बदल ली है कल इन्होंने वॉशिंगटन द व्हाइट हाउस करके जो फेसबुक पेज अगर आप लोग फॉलो करते होंगे जिसमें वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं को दिखाया जाता है ट्रंप जी का खुद का तो फेसबुक और ट्विटर बंद कर दिया गया है बट उस इन इनका लाइव आए थे इन्होंने भैया बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करी है जिन्होंने भी एक हरकत करी है और इन्होंने कहा डेमोक्रेसी के लिए खतरा एक्सेट्रा एसेट्रा तो यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यू टर्न ले लिया इन्होंने अपनी बातों से बट ट्रंप ने ये भी कहीं ना कहीं कहा था उस मैंने कल वो पूरा देखा था उनका लाइव स्ट्रीमिंग उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि भैया हमें जो है इलेक्ट्रॉलर रिफॉर्म्स करने होंगे इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो चीज़ें हैं वो गलत हैं एंड आई विल ट्राई टू चेंज इट बट इस डज नॉट मीन कि मैं जो स्मूथ ट्रांजिशन है एक अंतरिक्त नहीं कराऊंगा और जिन्होंने भी ये सब हरकतें करी हैं बिल्कुल डेमोक्रेसी के ऊपर धब्बा हो तुम लोग तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था एक न्यूज़ ये भी रात में पढ़ने में आई है कि जब जॉय बिडन साहब शपथ लेंगे उस समय ट्रम्प जी जो हैं वो नहीं जाएंगे ठीक है ना जाए जाए आपको हमको क्या इसके बाद क्या है यूएस मोडिफाइड एच वन बी वीजाशन प्रोसेस को हमको दिए जाते हैं जब भी हम उनकी कंट्री में काम करने जाते हैं ठीक है मतलब काइंड kind ऑफ of आप ये ये समझ लो कि नॉन इमिग्रेशन वाला वीजा जो है यही है सबसे ज्यादा भारत चाइना के लोग जो वहां जा रहे हैं ना वो इसी से जाते हैं अभी पहले क्या होता था कि ये जो एच वन बी वीजा था ना इसमें लॉटरी सिस्टम था क्या था लॉटरी सिस्टम मान लो भैया हजार ने अप्लाई किया अब लॉट चार 400 है अब उसमें से कुछ को ले लिया जाता था तो अभी इसको चेंज करके किया जा रहा है कि भैया जिस पे ज्यादा स्किल होगी ज्यादा सैलरी होगी उसको दिया जाएगा यही चीज यहां पे लिखी हुई है ठीक है चलो और कुछ ठीक है यार चलो आगे बढ़े बैंक स्टाफ सिक्स प्रायोरिटी इन कोविड वैक्सीनेशन दिस इज लास्ट आर्टिकल और बड़ी अच्छा आर्टिकल है देखो सभी लोगों ने सबको याद किया कि डॉक्टर जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड के दौरान बिल्कुल अग्री करते हैं पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया इसके अलावा नर्सेज ने बहुत अच्छा काम किया और भी आपके जो हेल्थ एम्प्लॉयज थे आंगनबाड़ी में जो आ, जो आपकी आशाएं थी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए लेकिन बैंक सेक्टर भी पूरे टाइम कोविड में खुला रहा है और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसी के चलते हुए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने बात कही है कि भैया बैंकिंग के अंदर जितने ऑफिसर्स हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं जितने बंदे हैं इनको भी कोविड नाइनटीन की वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी दी जाए जो बात बिल्कुल सही है पूरे देश में भीड़ खत्म हो सकती है लेकिन बैंक के अंदर भीड़ हमारे देश से खत्म नहीं हो सकती पचास काम होते हैं लोगों के तो भैया इनको भी यहाँ पे इस पर ध्यान दिया जाए इसके लिए गुहार लगाई गई है जो कि एक अच्छा स्टेप है लेट्स सी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं ठीक है आगे बढ़े तो डे ड्रीम का क्वेश्चन ही होगा मुझे लगता है जो मैंने आपसे पूछ लिया है जरूर लिखिएगा अब जल्दी से रिवीजन करते हुए बढ़ते हैं पीछे आगे की तरफ सबसे लास्ट में हमने देखा कि बैंक स्टाफ भैया प्रायोरिटी दी जाए कोविड वाले मामले में फिर हमने देखा कि यूएस ने मॉडिफाई किया है एच वीजा का सिलेक्शन प्रोसेस फिर हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट फिर हमने क्या देखा यार ये घूम नहीं रहा है फिर देखो हमने क्या देखा गैग्नेटिक डॉल्फिन के बारे में देखा हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में देखा 2020 में शुरू हुआ है हमने इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ी है न्यूज में क्यों है हमने ये भी देखा ठीक है इसके बाद क्या है हमने ये देखा कन्फेशन जो करके एक प्रक्रिया है क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है बर्ड फ्लू जो है ये सिक्स स्टेट में पहुंच चुका है आप भी बच के रहिए फिर एक और लोग ने सुसाइड करा है वो जो ऐप वाले पैसे लिए जा रहे हैं ऐप के थ्रू है ना फिर हमने देखा कि जो ये इलीगल लिख कर है भैया इसका क्या मसला है क्यों ही नहीं जा रही है देश से फिर हमने देखा क्या आर्म आर्म ऑफ जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट आर्म्स प्रोवाइड करे सॉरी यार जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप उनको भी आर्म्स प्रोवाइड करिए बहुत जरूरी है है ना क्योंकि थर्टी परसेंट पूरे विश्व में फॉरेस्ट ऑफिसर्स अपने यहाँ के मर रहे हैं ओवर हाफ ऑफ आर्मी पर्सनल अंडर सेवरल स्टेट सर्वे के अकॉर्डिंग ये आया है प्लस पाकिस्तान ने एफ ए टी एफ स्टेप उठाया है हमने एक एडिटोरियल देखा महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड किस तरीके से लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि महिलाएं रात में ना निकलें जबकि लोगों को ये करना चाहिए कि बाहर का माहौल अच्छा करना चाहिए जिससे महिलाएं भी मैन के इक्वल बाहर जा सकें ठीक है इसके बाद ठीक है बस दिस इज इट गाइस दिस इज आर आर्टिकल दिस इज आर सेशन आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर आपने अभी तक अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो वेट मत करो जाओ सब्सक्रिप्शन लो एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड एम ठीक है ये कोड जब तक यूज नहीं करोगे तब तक मेरे से थोड़ी बहुत मदद जो है आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी ऐसे तो मिल जाएगी बट ऑफिशियली नहीं मिल पाएगी तो वो आपको मिलेगी ज्यादा फायदा रहेगा आप मुझे पे फॉलो कर सकते हैं एज वेल एज आप मुझे टेलीग्राम पे भी यहां से जुड़ सकते हैं ठीक है अब कोई डाउट है आपके तो आप वो पूछिए आई एम हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज ठीक है एक लड़के ने लिखा है सर यूपीएससी से प्यार हो गया है अच्छा सही है यार इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है फिर वो भाई लिख रहे हैं कि सर बस इसी बात का गम है कि मिल नहीं रही है मतलब बड़ी अच्छी बात लिखी है कि यूपीएससी से प्यार हो गया है और इसी बात का गम है कि वो मिल नहीं रही है तो बात आपने बड़ी अच्छी लिखी है इसी पे मुझे भी दो लाइन याद आ गई है है ना तो जो आपका देखो यूपीएससी एग्ज़ाम है इससे प्यार करना तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप इससे प्यार कर रहे हो तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है बट एक है ना कहावत है अगर वो पूछ ले मुझसे किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे किस बात का गम है किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे समझ में आया नहीं समझ में आया फिर से बोलता हूं अगर वो पूछ ले मुझसे किस बात का गम है अरे भाई किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे समझ रहे हो मेरी बात तो आपका यूपीएससी का एग्जाम यही हो गया है कि अगर वो आपसे पूछने आ जाता ना कि आपको उससे भैया प्यार है और आपका सिलेक्शन दे देगा ऐसे ही तब तो सभी का हो जाता है ना मेरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी लगे रहना पड़ेगा पेशेंस रखना पड़ेगा ठीक है चलो कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से जो भी डाउट्स है आपके पूछते रहो बताते रहो वीडियो को लाइक शेयर करते चलना भाई शाश्वत झा मैं मंडे को बताऊंगा कि आ, कहां से आपको अनकेडमी की आर्टिकुलेट मिलेगी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये अबे भाई देखो कितनी सिंपल सी बात ली बोली गई है कि अगर वो पूछ ले मुझसे किस बात का गम है भाई अगर वो आपसे पूछ लेगी कि किस बात का गम है तो किस बात का ही गम है अगर वो आपसे पूछ ले दैट मींस कि शी इज नॉट टॉकिंग टू यू ना एंड हियर शी इज यूपीएससी बात समझ रहे हो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से चलिए बिल्कुल वापस से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू करा सकते हैं वापस से ब्लैकलिस्ट में भी डाल सकते हैं बट पाकिस्तान के जो अभी ये स्टेप्स हैं, इससे लग रहा है कि ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा बाकी देखते हैं सर पोचर क्या है? सीमा पोचर इज जो शिकार करते हैं एनिमल्स का फॉर देयर बेनिफिट्स, लाइक एनिमल एलिफेंट के दांत बिकते हैं मार्केट में पेंगुलिन का स्किन बेचा जाता है ठीक है सेम चीज उमेश मांगवीज आस्किंग सर प्लीज टीच इन इंग्लिश तो उमेश न फॉलो अन्यूपीएससी में होता है थीके? और दूसरी चीज ये टेलीग्राम चैनल इसे जुड़ जाइएगा एज वेल एज यू कैन गेट माई गाइडेंसर यू कैन टॉक टू मी हर एज वेल एज ऑल द मेरे जितने भी सेशन की जानकारी आपको यही मिलने वाली है ठीक है दो मिनट और हूं भाई चलो जल्दी से डे ड्रीम का आंसर इसी कमेंट सेक्शन में नीचे करना है जैसे लाइव सेशन खत्म हो जाएगा अभी आप आधे घंटे बाद आइएगा पौने आठ के आसपास आठ बजे तक सोच लीजिएगा आराम से उसके बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नेक्स्ट डे फिर मैं स्क्रीन शॉट डालूंगा उसमें से किसी एक बेस्ट आंसर का स्वर्णा अग्रवाल मॉडर्न हिस्ट्री क्लास मंडे से होगी मैंने बताया था कल क्लास में सौरभ सुमन मैंने गैग्नेटिक डॉल्फिन की पूरी डिटेल दे दी है अभी आप पीछे देखते हैं फ्रेश वाटर में जिंदा रह सकती है ना ऋतिक बहुत ही बेसिक चीज है यार ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट एफ देता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दिस इज एन इंस्टीट्यूशन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यस ब्रो ट्वेल्थ के मार्क्स ड नॉट मैटर आलमदीर अली कह रहे हैं सर लेट नोटिफिकेशन आ रहा है भाई अब नोटिफिकेशन का वेट क्यों करते हो सिक्स थर्टी एम पे डेली क्लास लाइव होती है क्रिकेट मैच जब देखना था आईपीएल तो पता था ना साढ़े सात पे मैच स्टार्ट हो जाता है पहुंच जाते थे कोई जगाता था क्या नहीं जगाता था ना तो बस साढ़े छः पे आ जाए करो कभी दो चार मिनट लेट हो जाती है साढ़े जगह छः पैंतीस पे स्टार्ट हो जाती है आज सिक्स थर्टी पे हो गई थी तो कहने का मतलब बट यू हैव टू रिफर अ मैगजीन ऑल्सो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक मैगजीन साथ साथ रिफर करोगे रिविजन होगा और कुछ पॉइंट हिंदू कवर जो नहीं करता है वो वहां से कवर हो जाएंगे दैट्स इट आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है कृष्ण गोविंद टीएन कह रहे हैं व्हाट टू डू फॉर मोटिवेशन भाई कोई भी मोटिवेशन थॉट वॉट जो है जो आपको दिल को करीब हो उसको चिपका लो अपने टेबल के सामने कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आप इंस्पायर्ड हो उसको चिपका लो अपने टेबल के सामने जहां स्टडी करते हो एंड जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू बिन आई वो रीजन जो आपका जेनुअन रीजन है मतलब जो आप इंटरव्यू में बोलोगे वो तो अलग इशू है जो आपका जेनुअन रीजन है उसको सामने लिख लो जब भी परेशान हो ना उस रीजन को पढ़ना कि वाई हैव यू स्टार्टेड जो भी आपने जिस चीज के लिए भी स्टार्ट किया था उसको भूलना मत और अपने आप फिर से मोटिवेट होकर पढ़ाई करना चलो गाइस सी यू ऑन मंडे संडे हमारी क्लास नहीं होती क्योंकि एडिटोरियल संडे हिंदू के नहीं आते हैं हंसते रहो मुस्कुराते रहो पढ़ते रहो कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डाल देना बाद में मैं उसका भी रिप्लाई कर देता हूं प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना अन अकेडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड एमपीएस एंड मेरी गुरु दक्षिणा मत बोलना गुरु दक्षिणा में पैसे नहीं मांगता हूं मैं बस इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि हर बंदा दो से तीन यूपीएससी एस्पेरेंट को वीडियो शेयर कर दे पूरे दिन के अंदर इतना तो कर सकते हो चलो